जिले का सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण हाट का निर्माण क्षेत्र के छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। इस वक्त हम मौजूद हैं भीलवाड़ा ग्रामीण हाट में, जिसका निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ताकि कम पूंजी में वह अपना कारोबार यहां शुरू कर सके। प्रशासनिक कार्यक्रम यहां आयोजित होते हैं। बात की जाए त्योहारों की, तो दीपावली के त्योहार पर दीपावली के समय अस्थायी पटाखों की दुकानें होती है, वो यहाँ लगाई जाती है। तो प्रशासन एवं ग्रामीणों की अरुचि के चलते ग्रामीण हाट अब खंडहर में तब्दील हो रहा है। हम बात करें ग्रामीण हाट की अगर व्यवस्थाओं की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था कैसी है, यहाँ पे जो बिल्डिंगें यहाँ बनी गई, दुकानें यहाँ बनाई गई है, वो सभी जर्जर अवस्था में हैं। चारों तरफ कचरा है, कंटीली झाड़ियाँ बन चुकी है, पेड़ पौधे भी काफी अस्त व्यस्त यहाँ बने हुए हैं। और यहाँ लोगों का कम रुझान और जो यूआईटी की जो व्यवस्थाएं यहाँ पूरी नहीं है, जिसके कारण ये पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। हमारे पीछे है फूड सेंटर, जो कि इसका निर्माण किया गया था कि जो यहाँ पे आने वाले लोग जो या दुकानदार है, उनको अल्पाहार के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ मिल सके, लेकिन कोई नहीं आने के कारण ये भी अब धीरे धीरे खंडर में तब्दील होने लग चुका है। हमारे पीछे है एग्जीबिशन फूड, जिसमें कि कई तरह के छोटे मोटे रंगमंच व फड पेंटिंग से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यही एक ऐसा हिस्सा है जो कि अभी तक सुरक्षित बचा हुआ है। यह हमारे पीछे है यहाँ का थिएटर, जो कि पेड़ों से पूरी तरीके से जंगल की तरह ढक चुका है। ग्रामीण हाट का जो थिएटर है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें कि जो कलाकार होते थे वो अपनी प्रस्तुति यहाँ दिया करते थे, लेकिन आज इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के हालात इसके हैं, पपड़ी इसकी निकल चुकी है, बैठने की जो व्यवस्था थी वहाँ भी काफ़ी छोटे मोटे पौधे उग चुके हैं।